को बस चलाते हुए बहुत ही कम बार आपने देखा होगा, अगर देखा भी होगा तो शायद फिल्मों में। लेकिन फिल्मी कहानी से जरा असल जिंदगी में आइए, देखिए कैसे महिला फर्राटे से बस को चला रही है। इतना ही नहीं, जिस महिला को हम दिखा रहे हैं इनकी कहानी भी थोड़ी अलग है। वही बस में टिकट काट रहे कंडक्टर की कहानी थोड़ी जुदा है। सबसे पहले देखिए कि कैसे आराम से महिला बस को चला रही है। दरअसल यूपी के एक रोडवेज बस इन दिनों प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल लोनी डिपो की इस रोडवेज बस पर पति पत्नी तैनात हैं। दिलचस्प ये है कि पत्नी के हाथ में रोडवेज बस की स्टीयरिंग है और पति यात्रियों के टिकट काटते हैं। जो भी इस अनोखी तस्वीर को देखता है वो हैरत में पड़ जाता है। तस्वीर में रोडवेज बस की स्टीयरिंग थामे जिस महिला को आप देख रहे हैं वो बुलंदशहर की रहने वाली वेद कुमारी हैं, और वेद कुमारी के पति मुकेश प्रजापति भी इसी रोडवेज बस में टिकट काटते हैं। वेद कुमारी संस्कृत विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अभी तक वो दिल्ली पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रही थी, लेकिन रोडवेज में महिला चालकों की भर्ती निकलने पर वेद कुमारी ने अपना इरादा बदलकर रोडवेज बस का सारथी बनने की ठान ली। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ड्राइवर बनने की तैयारी की और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सहयोग से साल 2021 में वेद कुमारी ने मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर से भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग ली। इसके बाद वेद कुमारी को लोनी डिपो की वर्कशॉप 10 माह के लिए प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। अप्रैल 2023 में कौशाम्बी डिपो से वेद कुमारी पहली बार रोडवेज बस का स्टीयरिंग थाम सारथी बन गई। नहीं, जब नहीं देखा तो नहीं देखा, पर अब तो देख ही रहे, लोग सब खुश होते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं और महिलाएं भी बहुत खुश रहती हैं। अभी मेरी बस में पैसेंजर्स बैठी हैं, महिलाएं बहुत खुश हैं पीछे, क्यों कह रही हैं मैडम आगे से अच्छे से स्पीड में चलाना। हाँ, तो ऐसा उन्हें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। देखो सामने से कह भी रही है। अच्छा, आप कितनी पढ़ी लिखी? मैं ग्रेजुएट हूँ और मेरे हस्बैंड इससे पहले भी किसी नौकरी की आपने तैयारी? हाँ, अप्लाई किया था पुलिस विभाग, मैंने कहा छोड़ा हो इसमें, जब मेरे हस्बैंड परिवहन विभाग में है तो हम दोनों ही इसे एक साथ कर सकते हैं। हर जगह महिला पुरुष एक साथ कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, तो हमने सोचा हम भी इसी में कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। वो परिचालक है, हम चालक बन जाते हैं, पर हुआ अपोजिट ही है कि मैं ड्राइवर बन गई, वो कंडक्टर। किस तरीके से जो है सवारियां जो आती है वो कैसे आपको जो है देखती है, क्या कहती है? वो कहती है बहुत अच्छा महसूस करती है कि अरे महिला चालक बहुत अच्छा लगता है, उन्हें फोटो खींचते हैं, सेल्फी वेल्फी खींचते हैं, ले जाते हैं, वीडियो बना करके। लोनी डिपो में ही है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ ही चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि हम साथ चलें। अच्छा, कितने साल से आप बस चला रहे हैं? एक साल हो गया हमें यहाँ इधर लोनी डिपो में आए हुए, ट्रांसफर होकर आए थे वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद में, और अब तब से हम चला ही रहे हैं गाड़ी कंटिन्यू। तो रात को कोई दिक्कत तो नहीं होती? रात में कोई दिक्कत नहीं होती, बढ़िया हाईवे बना दिए हैं सरकार ने, और कितना करे सरकार, सब कुछ बहुत बढ़िया सुविधा कर रखी है। बता दें कि दंपति अब कौशाम्बी से बदायूं रूट पर एक ही रोडवेज बस में जिंदगी और नौकरी के हम सफर बन गए हैं। वेद कुमारी एक बेटा और एक बेटी की माँ भी हैं। बेटा 10वीं में और बेटी केजी में पढ़ रही हैं। वेद कुमारी का कहना है कि फिलहाल वह संविदा पर तैनात हैं और मानदेय भी कम है, योगी सरकार उनको परमानेंट करे और सैलरी में भी बढ़ोतरी करे। उन्होंने योगी सरकार की तारीफ भी की। फिलहाल ये बस और उनकी ये जोड़ी यूपी में इन दिनों लोगों की जुबा पर चढ़ गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।